स्वागत है आपका न्यूज अफेयर्स में। शौर्य चक्र विजेता और पहली एयरफोर्स पायलट गुंजन सक्सेना की बायोपिक गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल कल यानी कि 12 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। फिल्म में गुंजन के पायलट बनने और फिर कारगिल युद्ध के दौरान निभाई गई अहम भूमिका को दिखाया गया है। फिल्म की कहानी अविश्वसनीय वास्तविक जीवन पर आधारित है। फिल्म की कास्ट के बारे में बात करें तो जाह्नवी कपूर भारतीय वायुसेना की पायलट गुंजन सक्सेना का किरदार निभा रही है। पंकज त्रिपाठी गुंजन के पिता अनूप सक्सेना, आयशा रजा मिश्रा उनकी माँ कीर्ति सक्सेना, अंगद बेदी उनके भाई अंशुमान सक्सेना की भूमिका में है। तो वही मानव बीज कमांडिंग ऑफिसर गौतम सिन्हा, विनीत कुमार सिंह फाइट कमांडर अधिकारी दिलीप सिंह, चंदन आनंद वायुसेना के मुख्य प्रशिक्षक आशीष आहूजा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। फिल्म की कहानी गुंजन सक्सेना कारगिल युद्ध से शुरू होती है और सीधे पहुंचती है गुंजन के 10वीं के रिजल्ट पर। लखनऊ की गुंजन सक्सेना का बचपन से एक ही ख्वाब होता है, पायलट बनना। लेकिन शुरुआत में इसे बचपना और बाद में जिद का नाम दे दिया जाता है, क्योंकि लोगों के अनुसार लड़कियां पायलट नहीं बन सकती। बड़े भाई से लेकर गुंजन की माँ तक उसे यह सपना भूल जाने की सलाह देते हैं। भाई कहता है बाहर की दुनिया बहुत अलग है गुंजन। लेकिन गुंजन के ख्वाबों का साथ देते उसके रिटायर्ड कर्नल पिता अनूप सक्सेना, जिन्होंने अपने बेटे और बेटी में कभी कोई भेद नहीं किया। एक बात जो गुंजन की कहानी को खास बनाती है वह है उनकी सोच, जो कभी लिंग भेद में फंसकर नहीं रही। यह उनके पिता का ही प्रभाव रहा होगा। वह बचपन से पायलट बनना चाहती थी और वह बनी। सामाजिक दायरे में कई लोगों ने उन्हें कमतर समझने की कोशिश की, कुछ ने पीछे ठकेलने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने सपनों का पीछा किया पूरी ईमानदारी और जज्बे के साथ। फिल्म गुंजन की कहानी आम जिंदगी से शुरू होती है और उस वक्त खास हो जाती है जब 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान सैनिकों को हथियार पहुंचाने, घायल सैनिकों की मदद करने में और पाकिस्तानी आतंकियों और सैनिकों से अपने देश की सुरक्षा की पूरी घटना सामने आती है। शरण शर्मा ने बतौर डायरेक्टर इस फिल्म में डेब्यू किया है। उन्होंने पूरी ईमानदारी से लैंगिक विषमता को पर्दे पर उतारा है। उन्होंने सेना में गुंजन के साथ हो रहे भेदभाव को किसी शोषण की तरह नहीं बल्कि एक चर्चा की शुरुआत की तरह इस्तेमाल किया है। फिल्म की कहानी को उन्होंने काफी रोचक अंदाज में परोसा है। हवाई युद्ध के सीक्वेंस को काफी असलियत के साथ दिखाया गया है। आम फिल्मों के वॉर सीक्वेंस से हटकर इस फिल्म में एयरफोर्स के काम को बहुत बारीकी लेकिन सहज अंदाज से दिखाया गया है। फिल्म में जाह्नवी कपूर और पंकज त्रिपाठी यानी कि बाप और बेटी की जुगलबंदी बहुत ही मजेदार है। जाह्नवी कपूर ने फिल्म में अपनी आंखों से अभिनय किया है। फिल्म में गुंजन के किरदार को निभाने के लिए जाह्नवी कपूर काफी कोशिश करती नजर आती है। अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने अपने सहज अभिनय से गुंजन के पिता और एक आर्मी अफसर के रोल को यादगार बना दिया। फ्लाइट कमांडर दिलीप सिंह की पुरुषवादी सोच को विनीत कुमार सिंह ने अच्छे से पेश किया है। कमांडिंग अफसर बने मानव बीज के चेहरे में शक्ति नजर आती है, वे भी अपने काम को बेहतर कर गए हैं। गुंजन के भाई बने अंगद बेदी अपना असर छोड़ने में असफल रहे, ऐसा शायद फिल्म की राइटिंग की वजह से भी हुआ है। इस फिल्म के पॉजिटिव साइड के बारे में बात करें, फिल्म में हौसला बढ़ाने वाले इतने अच्छे समा थे कि अगर फिल्म थिएटर में रिलीज होती तो सीटियां बदती ही बदती। फिल्म महिलाओं की हौसला अफजाई करती है लेकिन बिना उन्हें बेबस और मेलोड्रामेटिक दिखाते हुए। विषय अपने आप में रोचक है। यह फिल्म बननी बेहद जरूरी थी क्योंकि आम लोगों तक और खासकर लड़कियों तक यह बात पहुंचनी चाहिए थी कि गुंजन ने किस कदर रिस्क लेने से इनकार नहीं किया, अपने सपने देखे तो उसे पूरा करने के लिए भी डटी रही। यह गुंजन की जिंदगी से जुड़े हर पहलू को रोचक तरीके से दिखाती है। निर्देशक और लेखन टीम बधाई के पात्र है कि उन्होंने एक बढ़िया फिल्म बनाई है। वहीं दूसरी ओर अगर फिल्म की अवधि थोड़ी कम होती तो फिल्म और सार्थक होती। साथ ही मुख्य किरदार को निखारने में कुछ दृश्यों में सहयोगी कलाकारों पर भी कम ध्यान दिया गया है जो फिल्म को कमजोर बनाती है। दोस्तों, ऐसी ही रोचक खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए।